वहीद मुराद, जिसे हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेटी हीरो के नाम से जानते हैं, वहीद मुराद पाकिस्तान फिल्मी अदाकार, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। चॉकलेटी हीरो के नाम से मशहूर होने वाले वहीद मुराद को सन 1961 में उन्हें एस एम यूसुफ की फिल्म औलाद में एक अहम किरदार के लिए पहली बार कास्ट किया गया और यूं बतौर अदाकार वहीद मुराद की पहली फिल्म औलाद अगस्त 1962 में रिलीज हुई और गोल्डन जुबली का एजाज हासिल हुआ। वहीद मुराद को असल शोहरत अपनी जाती फिल्म हीरा और पत्थर से हासिल हुई, जबकि वहीद मुराद को पाकिस्तान की पहली फिल्म प्लेटिनियम जुबली फिल्म अरमान का एजाज भी हासिल है। उसके अलावा वहीद मुराद की सुपरहिट फिल्मों की लंबी फहरिस्त मौजूद है। वहीद मुराद को बेहतरीन अदाकारी की वजह से कई अवार्ड से भी नवाजा गया। वहीद मुराद पाकिस्तान के उन हीरो में से हैं जिनकी अदाकारी हैसियत के करीब तर थी। पाकिस्तानी अदाकारों में जो शोहरत और इज्जत वहीद मुराद के हिस्से में आई वो कभी किसी के नसीब में नहीं हुई। वहीद मुराद का जन्म 2 अक्टूबर 1938 को सियालकोट में हुआ। वहीद मुराद का ताल्लुक एक शोबिज घराने से था। अदाकार के वालिद निसार मुराद एक कामयाब पाकिस्तानी फिल्मी डिस्ट्रीब्यूटर थे और वालदा घरेलू खातून थी। निसार मुराद और शीरीन मुराद के वहीद मुराद इकलौते बेटे थे। वहीद मुराद ने शादी 1964 को कराची के एक बहुत बड़े सनतकार की बेटी सलमा से की। अदाकार वहीद मुराद को दो बेटियां आलिया और सादिया और एक बेटा आदिल है। वहीद मुराद की एक बेटी सादिया का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। 1980 में वहीद मुराद एक कार हादसे का शिकार हो गए थे और 23 नवंबर 1983 की सुबह फिल्म इंडस्ट्री का ये तरक्षा आफ्ताब हमेशा के लिए डूब गया। दोस्तों, वहीद मुराद की फैमिली के बारे में जानकर कैसा लगा? लाइक, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दें।